हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू एयरलाइन वैकेंसीज के बारे में। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे एयरलाइंस कैबिन क्रू के लिए हायर कर रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस भी हायर कर रही है, विस्तारा एयरलाइंस भी कर रही है, तो साथ ही एयर एशिया जो एक एयरलाइन है, डोमेस्टिक एयरलाइन है, इसने भी हायर करना स्टार्ट किया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एयर एशिया में अप्लाई करने के लिए आपको आपकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका वेट, हाइट, BMI सब कुछ कितना होना चाहिए। तो हम सब कुछ इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एयर एशिया में अप्लाई करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें आपको ये चीज़ें फिल करनी है, आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी फुल साइज फ़ोटो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका CV। तो आपको इनका जो ये फॉर्म है इस पर आपको CV भी अपलोड करनी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो CV है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम प्रोफेशनल हो। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आप सेल्फी ले रहे हैं और आपने वही पिक्चर आपने उसमें अपलोड कर दी है। तो आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ एंड फुल साइज़ जो आपकी फ़ोटो है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं है कि CV हम कैसे बनाएं, बिकॉज CV बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसको कोई ह्यूमन हमारी CV को ना देख के, ये कंप्यूटर सिस्टम से चेक होती है, ATS सिस्टम से, राइट। सो आपको आपकी जो CV है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव वे में बनानी है। तो अगर आपको नहीं पता कि CV कैसे बनाते हैं, तो मैंने भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, एक्सप्लेन किया है कि आप CV कैसे बना सकते हैं। मेरे वीडियो की जो लिंक है वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो एयर एशिया ने काफ़ी टाइम बाद हायर करना स्टार्ट किया क्रू के लिए, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एयर एशिया फीमेल्स एंड मेल्स दोनों को हायर करता है। तो आप अगर सिर्फ 12th पास है कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और मेल की होनी चाहिए 173 सेंटीमीटर। आपका जो BMI है वो आपकी आपका जो हाइट है वो वेट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, राइट। BMI आपकी 18 to 22 के बीच में होनी चाहिए। आपका क्लियर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। विजिबल मार्क्स और टैटूज वगैरह आपकी स्किन पे एंड आपके हैंड्स वगैरह पे, लेग्स वगैरह पे नहीं होने चाहिए। नो ब्रेसेस, आपके ब्रेसेस भी नहीं होने चाहिए। गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। इंडिया में अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो इंग्लिश के साथ आपको हिंदी भी आनी चाहिए। बहुत सारे जो साउदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें मैंने कैंडिडेट्स को देखा है कि उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। एंड इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न पार्ट, जो नॉर्दर्न पार्ट वाले लोग हैं, उनकी ज़्यादा हिंदी अच्छी होती है, बट वो इंग्लिश इतना फ्लुएंटली बोल नहीं सकती है। तो इसलिए आपको आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ आउटगोइंग पर्सनैलिटी, फन लविंग पर्सनैलिटी और फ्रेंडली आपका नेचर होना चाहिए, राइट। तो वो इस टाइम पर हायर कर रहे हैं बैंगलोर एंड दिल्ली के लिए। आपको क्या करना है, आपको ये पूरा जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। आपको अपनी सारी डिटेल्स, CV, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह आपको अपलोड करनी है। फिर वो आपके CV को, आपकी पूरी एप्लीकेशन को रीड करेंगे। तो जिन जिन कैंडिडेट्स का उनको लगता है कि हमें इनको चांस देना चाहिए, इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए, तो वो आपको इंटरव्यू के जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन वो आपको बताएंगे, वो आपको मेल करेंगे, उस अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ एयर एशिया के सारे इंटरव्यू राउंड्स के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं अब पहले की तरह रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। बहुत दिनों से आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड ट्रेनिंग की वजह से मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है। बट फिर भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मुझे बनाने होंगे आपके लिए, सो मैं उसके लिए ज़रूर टाइम निकालूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।